इंदौर लोकसभा सीट पर बीजेपी के संयोजक विधायक रमेश मेंदोला ने बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी और खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नाराजगी जताई है। इसी के साथ उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। केसरिया और हरे रंग से होता है भगवान गणेश का श्रृंगार, क्या भगवान गणेश पर भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज होगा? क्या पूजा करना और करवाना अपराध है? क्या पूजा करने से पहले हिंदू समाज को चुनाव आयोग से NOC लेनी होगी? क्या अब चुनाव अधिकारी से पूछना पड़ेगा कि भगवान को क्या चढ़ाना है और क्या नहीं? क्या कांग्रेस अब राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से हिंदू समाज की आस्थाओं पर प्रहार करेगी? ये सवाल है इंदौर लोकसभा के बीजेपी के संयोजक रमेश मेंदोला के, जिन्होंने खजराना गणेश मंदिर में प्रत्याशी शंकर लालवानी और पुजारी अशोक भट्ट पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में FIR दर्ज करने के बाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मेंदोला ने एक पत्र लिखकर कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने हिंदुओं की आस्था के प्राचीनतम केंद्र खजराना गणेश मंदिर में भगवान को केसरिया और हरे रंग का चोला चढ़ाया, जो योग से भाजपा के झंडे के रंग का भी है, और साथ ही कमल का फूल अर्पित किया, जो योग से भाजपा का चुनाव चिन्ह भी है। हिंदू विरोधी कांग्रेसियों की शिकायत पर चुनाव आयोग ने इसे अपराध मानकर रिपोर्ट करवा दी। वहीं मेंदोला ने कलेक्टर से कहा कि आदिकाल से भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाकर कुमकुम और हरे रंग की दुर्वा से उनका पूजन और अभिषेक किया जाता है। इतना ही नहीं, मेंदोला ने लिखा कि मुगलों के अत्याचारी शासन में औरंगजेब भी कभी इस बात पर पाबंदी नहीं लगा पाए कि कोई भक्त मंदिर में पूजा कैसे करेगा और भगवान को क्या चढ़ाएगा। कमलनाथ जी की गुड लिस्ट में आने के लिए इंदौर का प्रशासन हिंदू समाज की आस्था पर औरंगजेब से भी ज्यादा कड़ा प्रहार कर रहा है। क्या अब मंदिरों में पूजा करने से पहले इंदौर के हिंदू समाज को आपसे NOC लेनी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।